बैतूल में एक दुल्हन द्वारा शादी के दूसरे दिन ससुराल पक्ष से धोखा कर फरार होने का मामला सामने आया है। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इस दुल्हन मायके जाकर अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी भी रचा ली। दरअसल होशंगाबाद के रहने वाले नितेश की शादी बैतूल के सारणी में हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन विदा करवाकर दुल्हन ससुराल से गहने लेकर मायके आ गई और कुछ दिन बाद अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर ली और उसकी फोटो पहले पति को व्हाट्सएप पर भेज दी। वहीं अब इस लुटेरी दुल्हन के खिलाफ पीड़ित ससुराल पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। साथ ही पीड़ित नितेश ने दुल्हन द्वारा साथ ले जाए गए 2 लाख रुपए और 80,000 नकद रुपए वापस दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। वहीं आरोपी दुल्हन और उसका दूसरा पति फरार है। मेरी शादी हुई अभी 28 तारीख को, 28 फरवरी। तो मेरी मिसेस को लेने के लिए आया उसके मम्मी पापा, मतलब उसके पापा जी आए थे, उसके जीजा जी आए थे, उसके मामा जी आए थे और कुछ मौसी वगैरह आए। तो उन लोगों ने लेके आ गए, मतलब 8-10 दिन यहाँ से रहने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली और वो कहीं चली गई उस लड़के के साथ। आपको इसकी जानकारी कैसे लगी कि इसने दूसरी शादी कर ली है? उसी ने मुझे व्हाट्सएप पर फोटो सेंड करी।